वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। हम लोग का जो उम्मीद बैच चल रहा था उसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग कौन कौन कंट्रीब्यूट किए थे, अपना साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हम लोग दो वीडियो पिछला गया, जिस वीडियो में पहला वीडियो था हम लोग का इंट्रोडक्शन था, दूसरा वीडियो हमने सीखा ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं। और आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन में एक तो डीपी मिला होगा, जिसके बारे में हमने बताया भी था कि डीपी में क्या क्या सवाल है आपका, ठीक है। तो आप लोग हमने बोला था ट्राई करने के लिए, तो आपने उम्मीद है ट्राई किया होगा और कुछ बना होगा कुछ नहीं बना होगा, या हो सकता है कि कम्प्लीटली बन गया हो पूरा, ठीक। तो हम इसमें सोल्यूशन देने वाले हैं। तो अगर जिस बच्चा का कोई एक दो पार्टिकुलर डाउट है तो क्वेश्चन पे वहाँ पे उस क्वेश्चन नंबर पे चले जाइए, केवल वो देखिएगा, पूरा देखने की जरूरत नहीं है आपको। और जो जो डाउट है वही वही कीजिएगा आपको, हम पूरा एक नंबर से लेकर हम लास्ट नंबर तक पूरा सॉल्व करने वाले हैं। जो आपको डाउट होगा वो देख लीजिए, नहीं तो अगर आपको सब बन गया तो देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपना। तो निकाल लीजिए आप लोग डीपीवी का जो सम्स नोट किए हैं, नहीं भी नोट किया तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। फर्स्ट नंबर आपको क्वेश्चन क्या दिया होगा हमारा, 6% वार्षिक ब्याज दर पर, 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर किसी बैंक में 8000 रुपये का 3 वर्ष, अगर 8000 रुपये 3 वर्ष के लिए रखा जाए तो ब्याज कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, तो यहाँ से आप लोग मूलधन समझ गए, मूलधन कितना है, क्वेश्चन से मूलधन कितना आपको पता चल रहा है, 8000 रुपये, समय कितना है 3 वर्ष, और दर कितना है 6%, ठीक है। तो आप निकाल लीजिए, क्या निकालना था आपको, ब्याज निकालना था, तो लोग ब्याज निकाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक नंबर, हम लोग का DPP1 का सोल्यूशन है, ये DPP01 का सोल्यूशन है, ठीक है। तो हम लोग एक नंबर क्या लिखते हैं, सबसे पहले दिया गया है कि दिया गया है कि हम लोग क्या दिया हुआ है, मूलधन, मूलधन कितना था बोलो, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था हम लोग का 8000 रुपये, ठीक है। फिर हम लोग का दर कितना था, दर था 6%, हाँ, और समय कितना था 3 इयर्स यानी 3 वर्ष। एक बार हम कंफर्म कर दें, दर कितना था हम लोग का, हाँ 6%, समय कितना 3 वर्ष। अब हम लोग का क्या ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, ब्याज यानी ऐसा ही निकालना हमें। तो हम लोग को फार्मूला पता है, अब थोड़ा सा हम इस पर चलेंगे क्योंकि आप लोग इसके साथ हम बहुत सारे सम्स करा चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, हमें ज्ञात है कि, हमें ज्ञात है कि, हमें क्या ज्ञात है बाबू, कुल ब्याज इज इक्वल टू क्या होता है, कुल ब्याज इज इक्वल टू पी, जहां मूलधन यानी मूलधन गुणे दर, आर यानी दर, टी बाई में 100 रुपीज, ये होता ना फार्मूला, हमने पिछला क्लास में बताया भी था फार्मूला कैसे आया। पी कितना बाबू यहाँ पे 8000 रुपये, ठीक। आर कितना है 6%, ठीक है। टी कितना है 3 वर्ष। कोई ऐसा है जिसको अभी DPP नहीं मिला तो इसका सेकंड वीडियो में चल जाइए, हम लिंक इसमें इसका भी डिस्क्रिप्शन, सेकंड वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सेकंड वीडियो देख के उसका उसमें से DPP देख लीजिए, ठीक है। ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, ठीक। हम लोग का बचा कितना 6 × 3 यानी हम लोग इसको कर सकते हैं 36 × 18 यानी 80 × 18। अब इधर कर लीजिए मल्टीप्लाई, 0 64 0 8 यानी हम लोग का ब्याज कितना आया बाबू 1440 रुपये, ब्याज कितना आया 1440 रुपये। फर्स्ट नंबर देख लीजिए आप लोग, ठीक है, चलिए मिटाया अब इसको, आपका बन गया था तो और अच्छा है, नहीं बना था तो बहुत अच्छा है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप मिटाया इसको, चलिए मिटा दो, नोट कर लीजिए इसको, जिसको नोट करना। हम लोग क्या करेंगे, अब दो नंबर देखेंगे, हम लोग दो नंबर सवाल देखा जाए क्या दिया हम लोग का। दो नंबर क्या बोल रहा है, सोहन ने किसी बैंक से 10% वार्षिक सरल ब्याज दर पर, यानी दर कितना होगा यहाँ पे 10% दर पर 750 रुपये 5 वर्ष के लिए उधार लिया, 750 रुपये यानी जो उधार लिया है तो मूलधन होता है, यानी आपको यहाँ से क्या पता चला, मूलधन कितना दिया हुआ वो 750 रुपये, दर कितना दिया हुआ है 10%, समय कितना है 5 वर्ष, और पूछ क्या रहा है 5 वर्ष बाद उसे कितना मिश्रधन जमा करना होगा, कितना मिश्रधन जमा करना होगा, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है। और मिश्रधन ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले आपको ब्याज ज्ञात करना होगा, क्योंकि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। चलो चलिए अब शुरू करते हैं अपना। तो क्या लिखेंगे, क्या दिया गया हमें, मूलधन, सबसे पहले हम क्या दिया हुआ है, मूलधन, मूलधन कितना हो 750 रुपये, मूलधन कितना है 750 रुपये, ठीक। अब हम लोग क्या बोलते हैं,
दर कितना दिया हुआ है 10%, समय कितना है 5 वर्ष, ठीक है। हमें अब क्या मिश्रधन ज्ञात करना है, तो मिश्रधन हमारा क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज ही होता है ना, मूलधन प्लस ब्याज। तो देखिए हमारे पास मूलधन तो है ही ऑलरेडी, हमें अब क्या बचा, तो ब्याज हम निकाल लेंगे। ओवरऑल हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हमें ज्ञात है कि क्या ज्ञात है, कुल ब्याज इक्वल टू क्या होता है हमारा पीआरटी बाई 100 रुपीज। फिर कितना आया होगा हमारा 750 रुपये। आर कितना है 10%, टी कितना है 5 ईयर्स। ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, मतलब बचा क्या 75 × 5, देन 75 × 5, 5 × 25, 2, 5 × 35, 375। यानी हम लोग कितना आ गया 375 रुपये। यानी हम लोग का ब्याज कितना निकल गया 375 रुपये। अब हम लोग क्या निकालना था, मिश्रधन निकालना था, तो हम लोग मिश्रधन निकालेंगे। चूंकि मिश्रधन इक्वल टू क्या होता है हमारा, मिश्रधन इक्वल टू क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन। तो हम लोग का ब्याज कितना है यहाँ पे 375 रुपये, 375 रुपये। और हम लोग का मूलधन कितना है 750 रुपये। तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1125 रुपये, 7 × 10 = 75, ठीक है। तो लोग कितना आ गया 1125 रुपये, ठीक है। दूसरा नंबर देख लीजिए आप लोग, इसका कुछ नहीं था, आप लोग ब्याज तो आराम से निकाल लीजिएगा। तो ब्याज आपको निकल गया तो पता है मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो आप मूलधन ब्याज निकाल लिए, उसका मूलधन आपके पास ऑलरेडी था, ठीक है। चलिए इसको आप उतार लीजिए, अगर उतारना हो तो बेटा इसको। चलिए अब हम लोग अपना आ जाते हैं 3 नंबर, इसको डर नहीं था, चलो कोई ना, फिर लिख दिया। अब हम अपना आ जाते हैं 3 नंबर पर। अब देखिए 3 नंबर जो था, मैंने बॉक्स बना बना के आपको सवाल दिया था, ठीक है। यानी उसमें टोटल कितना सवाल था, 7 सवाल था, जिसमें आपको मूलधन दे दिया गया था, दर दे दिया गया था और समय दे दिया गया था। आपको क्या निकालना था, सिर्फ आपको केवल ब्याज निकाल देना था, उसके अलावा कुछ नहीं करना था, ठीक। देखिए नीचे में आपको एक नंबर करके आपको क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। पूरा एक साथ दिखाएंगे तो ये इसकी नहीं भर जाएगा आपका, ठीक है। तो हम लोग देख ले अपना, एक नंबर हम लोग क्या दिया हुआ है, एक नंबर में आपको मूलधन दे दिया, समय दे दिया, वार्षिक ब्याज दे दिया, कुल ब्याज निकालना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे दिया गया है कि ये हमारा 3 का 1 नंबर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, मूलधन कितना दे दिया हमें 1500 रुपये, और समय कितना हुआ 1 वर्ष, ठीक। दर कितना है 6%, ठीक है। हमें खाली बॉक्स में क्या भरना है, ब्याज निकाल के भरना है, यानी कुल ब्याज निकालना है, सही निकालना है। हम वही करेंगे, हमें ज्ञात है कि कुल ब्याज इक्वल टू क्या होता है हमारा पीआरटी बाई 100 रुपीज। पी कितना है हमारा 1500 रुपये, आर कितना है हमारा 6%, टी कितना हमारा 1 वर्ष, बैठा दिया बाई 100, जीरो से जीरो गया, जीरो जीरो गया, 15 × 6 कितना होता है 15 × 6 के, ये तो सबको पता होता है 90 रुपये, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 90 रुपये। एक नंबर आपका हो गया, देख लीजिए इसमें तो कुछ था ही नहीं, मिटा इसको। चलिए अब ना फिर किस बात करता हो, 2 नंबर पे। 2 नंबर में आपको क्या दिया हुआ है, आपको मूलधन दिया 1700 रुपये, इस सबको हम केवल इसी को चेंज कर देते हैं और कुछ नहीं। मूलधन आपको कितना दिया होगा, 2 नंबर ध्यान से देखिए, आपको मूलधन कितना दिया है 1700 रुपये, मूलधन कितना है 1700 रुपये, समय कितना है 2 वर्ष, ठीक। दर कितना है आपका 3.5%, ठीक है 3.5%। अब दर को देखिए, इसमें दर को थोड़ा सा हम चेंज करके इस फॉर्म में तो नहीं बैठा सकते ना, इस फॉर्म में बैठाइएगा बुढ़ापा करने में दिक्कत होता है। तो हम क्या करते हैं, देखिए हम लोग को पता है जब ऐसा कुछ पॉइंट होता है, पॉइंट रूम करते तो कितना आता है हमारा,
नीचे में पॉइंट लगे वन, उसके बाद जितना डिजिट होता है यानी जितना इकाई होता है इधर कितना आ गया एक, तो एक जीरो। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 35/10, फिर अगर हम इसको 5 से काट दें तो 5 से 35, 5 दिन 10, यानी हम कितना लिख सकते हैं इसको 7/2। तो हम लोग दर को लिख दे क्या ऐसे 7/2%, ठीक है, हम लोग ऐसे रिप्लेस करके लिख सकते हैं। चलिए तो अब तो फिर आपको क्या निकालना था, ब्याज निकालना, आप सीधा बैठा दीजिए, मूलधन कितना है 1700 रुपये, दर कितना आपका होता है ये तो 7/2 बैठाइएगा, ठीक है, समय कितना आपका 2 वर्ष, हो गया 2 से 2 गया 0 से 0, 0 से 0, 1700 कितना होता है 119 रुपये, ठीक है। चलिए दो नंबर हो गया, और नेक्स्ट इस पर आता हूँ 3 नंबर पे, ठीक, मिटा इसको। तो इसमें हम लोग क्या बैठाएंगे, हम लोग उतना मैथ नहीं करेंगे, अभी सब जो डाटा दिया हुआ है इसे मिटा देंगे, बाकी बनते जाएगा अपना। ये तो सेम पूरा 3 नंबर चार्ट ऐसे ही नहीं भरना था, केवल तो कुल ब्याज ही निकालना है, तो बार बार लिखने की जरूरत क्या है। अब 3 नंबर हम लोग क्या दिया हुआ है, 3 नंबर आपका मूलधन कितना दिया हुआ है 1500 रुपये, समय कितना है 4 वर्ष, और दर कितना है 6/1/4, तो हम लोग का मूलधन कितना है 1500 रुपये, ठीक, समय कितना है आपका 4 वर्ष, दर कितना है 6/1/4%। अब देखिए फिर इसमें भी दर को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, अभी सवाल तो बन ही जाएगा ऐसे ही, तो दर को देखिए क्या हम लोग सॉल्व करते हैं, इस फॉर्म में जब भी हम लोग का लिखा रहता है जैसे ये वाला रहता है, तो हमें क्या बताया था, इन दोनों में क्या किया जाता है गुणा कर दीजिए, इन दोनों में क्या कीजिए गुणा कीजिए, तो 6 24, और ये ऊपर वाला जो भी रहता है यहाँ पर वैल्यू इसको जोड़ दिया जाता है, ये प्लस कर दिया जाता है, ठीक है, तो 24 1 25, तो हम क्या लिख सकते हैं 25/4, यानी 25/4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख दे क्या 25/4%, ऐसा बैठा सकते हैं, ऐसा थोड़ी बैठा के हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें सॉल्व करना है ना। अब देखिए आपको सीधा सीधा क्या मिल गया, मूलधन 1500 रुपये, ये 3 नंबर, सॉरी कितना नंबर था ये हम लोग का, शायद 3 नंबर था ना, देख लेते 1 सेकेंड, हाँ आपका 3 नंबर है, 2 नंबर तो हमने पीछे कर दिया, ठीक है। तो हम लोग का मूलधन कितना दिया 1500 रुपये, समय कितना दिया 4%, सॉरी समय 4 वर्ष, और दर आपको कितना दिया है 6/1/4%, जिसको हमने चेंज करके क्या कर दिया 25/4, ऐसे चेंज किया, इन दोनों का नीचे वाला गुणा कीजिए कितना आ जाएगा 24, और इसको जोड़ दें कितना आएगा 25/4, ये तो आपको बच्चा साथ है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पहले बैठा जाते अपना, मूलधन कितना हम लोग का 1500, दर कितना है 25/4%, और समय कितना है 4 ईयर्स इंटू 100 रुपीज, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ये 4 से ये 4 गया, अब बचा कितना 15 × 25, अब इसको हम करके देख लेते हैं 5 2 5 10 12 125, फिर कितना आ गया 5, और इधर हम लोग का 2, यानी 375 रुपये, कितना आ गया वो 375 रुपये, ये हम लोग का आंसर हो गया, 3 नंबर हो गया बेटा इसको। चलिए अब 3 नंबर तक इजी दिया हुआ था, 4 नंबर और 5 नंबर ये जो सवाल है इसमें थोड़ा सा सोचना वोचना है, बाकी तो हो ही जाएगा ऐसे आप लोगों से, ठीक है बेटा इसको। चलिए चार नंबर देखिए क्या दे रहा है आपका, 4 नंबर बोल रहा है मूलधन कितना है आपका 500 रुपये, मूलधन कितना है 500 रुपये, ठीक, आपका समय कितना है 6 माह, समय कितना है 6 माह, फिर आपका वार्षिक ब्याज दर कितना है 4%, याद रखिए यहाँ पे वार्षिक ब्याज दर दिया है, यानी ब्याज हम जब भी कैलकुलेट कर रहे हैं 1 साल पे कैलकुलेट कर रहे हैं, और हमने बताया था आपको जब भी वार्षिक ब्याज दर दे तो आपको क्या फर्ज बनता है, जो भी समय है हम लोग वर्ष में ही ले सकते हैं, महीना दिन में नहीं ले सकते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, महीना को फिर वर्ष बदल देंगे हम लोग, महीना को फिर हम लोग क्या करेंगे वर्ष बदल देंगे, तो हमने बताया था कैसे बदलते हैं, याद है कैसे बताया था, हमने क्या बताया था 12 माह स्कूल कितना होता है 1 वर्ष, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं 1 माह इज इक्वल टू 1/12 वर्ष, इतना तो बोल सकते हैं ना। फिर हमने बताया था कि अगर वहां पे 2 माह हो जाए तो हम क्या कर देंगे 1/12 × 2 वर्ष, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बताइए तो कितना है हम लोग का 6 माह है, तो हम क्या बोल सकते हैं 6 माह इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/12 × 6 वर्ष, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, तो ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 6y में 12 वर्ष
इसको हम लोग फिर चेंज कर कैसे लिख सकते हैं, 6 से 6 करने 6, 6 दूनी 12 यानी 1/2 वर्ष, यानी आधा वर्ष, 6 महीना आधा वर्ष ही होता है ना, 12 महीने का जब भी एक वर्ष होता है तो हम लोग समय को चाहे तो ऐसे कहेंगे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/2 वर्ष यानी आधा वर्ष। ठीक है, अब तो बैठा दीजिए आप, अब तो आप ही कर लीजिए, इसमें कुछ है ही नहीं। क्या करना होता है, तो मूलधन कितना बोलिए तुम्हारे साथ, 500 रुपये। आपका दर कितना है, 4%। समय कितना है, 1/2 वर्ष। ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, खत्म। दोनों से जीरो से दोनों जीरो गया। अब देखिए, 2 से 2 बार 4 2 बार में गया, कितना आ गया, 5 × 2 कितना है आपका, 10 रुपये। बताइए 10 रुपये का ब्याज निकालने के लिए इतना बुरा बात कर रहा है, 10 रुपये हम लोग साइकिल ले लेते ना बेटा। इसको 3 नंबर हो गया, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर पर। देख लीजिए इसको कैसे क्या, बस इसमें समय में देख लीजिए कैसे कन्वर्जन हमने किया है, ठीक है, बस और कुछ नहीं, वो ऐसा तो जनरल सवाल है। ठीक है, चलिए बेटा देता हूँ इसको। अब देखिए 4 नंबर आप लोग देखिए तो क्या है, 4 नंबर हमने कर लिया ना, हाँ ये 4 नंबर था, ये 5, ये 4 नंबर जो अभी बनाए हैं ये 4 नंबर है, 5 नंबर हम करेंगे बेटा आप इसको। चलिए पाँच सौ रुपये आपका क्या दे दिया, मूलधन कितना दिया पढ़िए तो, मूलधन आपका दिया है 600 रुपये। मूलधन कितना दे बाबू, 600 रुपये। मूलधन कितना हम लोग का, 600 रुपये। फिर हम लोग का समय कितना है, 3 माह। ये तो अब सेम होगा, अगर नहीं भी हुआ था पहले तो आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें 6 माह था, इसमें 3 माह बस किया गया, और कुछ अंतर है ही नहीं है। और दर कितना है, 8%, आपको ब्याज निकालना है। ठीक, तो इसमें देखिए आपका मूलधन तो क्लियर है, दर भी क्लियर है, तो क्या समय को चेंज करना है, समय माह में है तो हम क्या करेंगे, इसको वर्ष में लेके आएंगे, वर्ष में ले आएंगे सेम अभी कैसे किया था हमने, 12 माह इज इक्वल टू 1 वर्ष, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माह इज इक्वल टू 1/12 वर्ष, तो इसलिए हम लोग कितना माह है, इसलिए 3 माह इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/12 × 3 वर्ष, तो हम लोग क्या मिला, 3 माह इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 3/12 वर्ष, जिसको हम लोग चेंज करके क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 = 12, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 वर्ष। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 ईयर्स यानी 1/4 वर्ष। समय चेंज हो गया, अब दादा सॉल्व कर लीजिए, और कुछ तो है ही नहीं ना। या मूलधन कितना हम लोग का, 600 रुपये। दर कितना है, 8%। आपका समय कितना है, 1/4 ईयर्स हो गया। 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 4 × 2 = 8, 2 यानी 6 × 2 कितना आ गया आपका, 12 रुपये। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बेटा आप इसको आप देख लीजिए उसको, ये समय वाला करने वाले तो आप पिछला सवाल ऐसे ही सेम था, ये भी सेम है, इवन इसके आगे वाला भी सेम है, 6 नंबर भी सेम है। आप लोग ट्राई करना चाहें तो आप अभी वीडियो पॉज करिए, 6 नंबर का नहीं बना है तो फिर ट्राई कर लीजिए, अब बन जाएगा। चलिए अब हम लोग फिर नेक्स्ट कौन सा देखेंगे, 6 नंबर, 5 नंबर तो हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट अगला बात करेंगे 6 नंबर अपना कौन सा है, देख तुम लोग। अब लोग 6 नंबर देखिए तो क्या बोल रहा है, 6 नंबर हम लोग का बोल रहा है, 6 नंबर आपका बोल रहा है कि मूलधन कितना है, 400 रुपये। मूलधन कितना है, 400 रुपये। समय कितना है, 1 माह। दर कितना है आपका, 6%। ठीक, फिर देखिए सेम सवाल, इसमें कोई अंतर नहीं है, बस वहाँ पे पहले हमने 6 माह पे देखा, फिर 3 माह पे देखा, वही सेम चीज़ क्या कर दिया आपका, 1 माह पे कर दिया है। तो इसमें तो समय का कन्वर्जन तो बहुत आसान वाला है, कैसे, क्योंकि 12 माह इज इक्वल टू 1 वर्ष। ठीक, तो 1 माह इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/12 वर्ष, ये तो सीधा था, इसका कुछ इसमें करना ही नहीं है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/12 वर्ष। ठीक है, अब देखिए आपका मूलधन कितना है, 400। दर कितना है आपका, 6%। समय कितना हुआ, 1/12। अब देखिए ये 0 से 1 0 गया, ये 0 से 1 0 गया, 2 0 काम खत्म, 2 0 से 2 0 गया। अब देखिए यहाँ से 6 से 2 बार में काट सकते हैं, नीचे में क्या मिल गया, यानी क्या मिल गया, 4 × 1/2, यहाँ पे ही ना बचा, फिर इसको हम 2 से भागा देते 2, यानी कितना आपका आ गया, 2 रुपये। बताइए इतना बड़ा सवाल करके हमको क्या मिल रहा है, ब्याज 2 रुपये मिल रहा है, नहीं, चलिए मिटा दे इसको। अब फिर हम लोग 3 नंबर का लास्ट नंबर सवाल देखते हैं, 7 नंबर। ठीक है,
सात नंबर हम लोग क्या दिया हुआ है, ये दिन वाला सवाल है। इसमें कैसे दिया, जब जैसे हमने तीन महीना वाला किया, पर उससे पहले हमने साल वाला किया, फिर महीना वाला किया हम लोग, अभी कौन सा है, दिन वाला है। दिन वाला में देखिए क्या दे रहा है, सात नंबर क्या बोल रहा है कि हमारा मूलधन बोल रहा है 3,650 रुपये हो। मूलधन कितना हुआ, 3,650 रुपये हो। आपका समय कितना बोल रहा है, बोला समय 13 दिन है। समय कितना हुआ, 13 दिन है। ठीक, दर कितना है, 10%। दर कितना है, 10%। तो आपको ब्याज निकालने बोल रहा है, बात समझे। मूलधन कितना दिया हुआ है, 3,650 रुपये। समय कितना दिया, 13। और वार्षिक ब्याज दर दिया है, वार्षिक ब्याज दर यानी एक वर्ष पे 100 रुपये पर 10 रुपये ब्याज लग रहा है। यानी इसको भी किसमें लेके जाना पड़ेगा, समय को वर्ष में लेके जाना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग महीना को कैसे हम लोग चेंज किया वर्ष में, तो इसको भी चेंज करेंगे। तो हम लोग क्या पता है, 365 दिन इक्वल टू एक वर्ष होता है, ये तो पता है ना भैया। ये वो 366 वाला भी होता है, वो 4 साल बाद एक बार आता है, तो वो हम सवाल में नहीं लेते उतना, ठीक है। हम लोग ज़्यादा वाला को मानते हैं, हम लोग ये मान सकते हैं कि वो जिस साल लिया गया होगा वो 365 ही होगा, ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम एक दिन इक्वल क्या होगा, 1/365 वर्ष, ठीक। तो यहाँ कितना है, 13 दिन, तो 13 दिन क्या हो जाएगा हमारा, 1/365 × 13 हमारा 21 में आ जाएगा वर्ष में, ठीक है। चलिए, तो हम लोग समय को क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं, 13/365 वर्ष, ठीक है, हो गया। अब तो सॉल्व हो गया, कुछ है नहीं इसमें। मूलधन कितना है, 3,650 रुपये। दर कितना है, 10%। समय कितना है, 13/365 100। ये देखिए, ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया। अब देखिए यहाँ पे 365 बचा, ये 365 से ये 365 गया, कितना बच गया आपका, कुछ बचा ही नहीं, केवल 13 बच गया। तो हम लोग आंसर कितना आ गया, 13 रुपये, ठीक है। चलिए, ये देखिए हम लोग का यहाँ पे 3 नंबर पूरा कंप्लीट हो गया। 3 नंबर में ये 7 सवाल था, 7 सवाल हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर अपना, अब हम लोग कौन सा देखेंगे, अब 4 नंबर। तो चलिए इसमें कुछ उतार लीजिए, अगर उतारना हो तो कोई बात नहीं, चलिए मिटाते हैं, ठीक है। 4 नंबर भी सेम सवाल था, 4 नंबर भी इसी टाइप का सेम है। उसमें क्या है, बस उसमें एक तो नया बस मिसडन जोड़ा गया है, जैसे उसमें 2 खाली बॉक्स मिला होगा आपको, जैसे इसमें 1 बॉक्स दिख रहा है, तो उसमें कैसा कितना बॉक्स खाली दिया हुआ था, 2 बॉक्स खाली दिया हुआ है, ठीक। जिसमें एक में आपको क्या भरना है, एक में आपको कुल ब्याज निकाल के भरना था, और एक में बोला था कि मिसडन भरो, यानी मिसडन याद करने बोला था, ठीक है। तो हमने देखे अब 4 नंबर अपना, अब 4 नंबर अपना हम देख लिखा है। देखिए 4 नंबर, 4 का 1 नंबर हम लोग देखेंगे, 4 का 1 नंबर अब देखेंगे। हम लोगों को क्या दे दिया है, बाबू मूलधन दे दिया है, इसमें समय दे दिया है, और वार्षिक ब्याज दर दे दिया है। बोल रहा है कुल ब्याज निकालो तुम, उसके बाद मिसडन निकालो। तो आपको पता है मिसडन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज निकालना पड़ेगा। तो चलिए 4 का हम लोग 1 नंबर देखते हैं। अब हम लोग अब क्या लिखेंगे, दिया गया है कि, ठीक है, मूलधन कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 1,000 रुपये। मूलधन कितना दिया है, 1,000 रुपये। समय कितना है, समय कितना है, पहले नंबर पे 5 वर्ष, ठीक। वार्षिक दर कितना है आपका, है 20%, यानी 20% है, ठीक। आपसे बोला है कुल ब्याज निकाले और मिसडन निकाले। तो सबसे पहले हम लोग कुल ब्याज निकालते हैं। तो हम लोग क्या निकालना है, इसमें कुल ब्याज वाला बॉक्स भरना है, ठीक। उसके बाद में क्या निकालना है, मिसडन, ठीक है, हो गया। तो हम लोग को मिसडन निकालना है। तो चलिए, तो हम लोग को पता है डायरेक्ट मिसडन नहीं निकल सकता है, पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें कुल ब्याज निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मिसडन क्या होता है, कुल ब्याज प्लस मूलधन। तो यानी हमें मूलधन तो दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, अगर हम कुल ब्याज निकाल लेते हैं तो मिसडन हमारा ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, मिसडन तो कुछ करना ही नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कुल ब्याज निकालेंगे। तो कुल ब्याज कैसे निकालते हैं, हमें ज्ञात है कि, क्या ज्ञात है, कुल ब्याज इक्वल टू क्या होता है, बोलो बोलो, PRT / 100 रुपीज़, ये होता ना। तो हम लोग पी कितना है यहाँ पे,
1000 रुपये, तो कितना है 1000 रुपये, आर कितना है यहाँ पे 20%, और हमारा टी कितना है 5 ईयर्स, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना बचा हमारा 10 × 20 × 5, तो 20 × 50 100, यानी 10 × 100 कितना हो गया हमारा 1000 रुपये। तो ब्याज हमारा बहुत कितना आ गया, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, किधर गया, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, इसलिए ब्याज बोल दो या कुल ब्याज बोल दो, बात कुल ब्याज छोटो कितना हो गया हमारा 1000 रुपये। और अगला क्या निकालना था, मिसधन निकालना, अगला कितना निकालना हमें, क्या निकालना, मिसधन। तो मिसधन क्या होता है हमारा, मिसधन क्या होता है हमारा, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ मूलधन कितना है 1000 रुपये, ब्याज कितना है 1000 रुपये। देखिए जितना मूलधन बेचारा लिया था उतना ही उसको ब्याज भी देना पड़ रहा है, यानी कितना हो गया आपका 2000 रुपये, मिसधन कितना हो गया 2000 रुपये, ठीक है। समझ में आया आपको पहला नंबर, चलिए मिटा दे इसको, उतार लीजिए इसमें अगर कुछ उतारना हो तो। हम लोग इसको भी पूरा नहीं मिटाएंगे, ठीक है, क्योंकि करना तो सेम है, बस ये चीज़ों को मिटा देंगे जहाँ जहाँ अमाउंट लिखा हुआ, बाकी तो हम लोग को वही सेम चीज़ करना है। अब देखिए 4 का 2 नंबर देखिए, तो एक बार क्या लिखा हुआ पढ़िए एक बार, चार का दो नंबर आपका बोल रहा है कि आपका मूलधन कितना है बाबू 480 रुपये, मूलधन कितना है 480 रुपये, भाई 480 रुपये। समय कितना दिया आपका 5 माह दिया है, समय कितना दिया बाबू 5 माह दे दिया है। दर कितना दिया है 10%, दर कितना दिया बाबू 10%। आपको क्या बोल रहा है, कुल ब्याज और मिसधन निकाल दीजिए, कुल ब्याज और मिसधन निकाल दीजिए। तो सबसे पहले देखिए तो आपका मूलधन क्लियर है पूरा, और दर आपका वार्षिक दर दिया हुआ, बॉक्स देखिए लिखा हुआ वार्षिक ब्याज दर दिया है, यानी एक वर्ष पे 100 रुपये कितना लग रहा है 10 रुपये ब्याज लग रहा है, यहाँ पे तो एक वर्ष हुआ ही ना, 5 माह हुआ, तो हम लोग फिर अब वही करेंगे, 5 माह को किसमें बदलेंगे बाबू, वर्ष में बदलेंगे। तो अब तो आप लोग फेमिलियर हो चुके हैं इस चीज़ के साथ, करते करते बहुत सारा सवाल तो कर ही लिए, तो हम लोग क्या होता है 12 माह = 1 वर्ष, ठीक। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं 1 माह = 1/12 वर्ष, तो हम लोग कितना है यहाँ पे, इसलिए 5 माह = क्या हो जाएगा 1/12 × 5 वर्ष, यही होगा ना, हो गया काम खत्म। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या 5 माह = 5/12, यानी 5/12 वर्ष। तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं क्या 5/12 वर्ष, ठीक है। अब समय सब बैठा दीजिए, समय भी आपको वर्ष में मिल गया, बाकी खत्म। हम लोग का मूलधन कितना है यहाँ पे 480 रुपये, और समय कितना है, आर कितना है आपका 10%, समय कितना आपका 5/12 वर्ष डिवाइड बाई 100, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, और 12 × 48 4 आ गया, और 4 × 5 यानी कितना हो गया 5 × 20 20 रुपये। तो आपका कुल ब्याज कितना है यहाँ पे 20 रुपये, ठीक है। आपका मूलधन कितना है, तो मिसधन क्या लिखा, मिसधन के लिए क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन आपका कितना है 480 रुपये, 480 रुपये, ब्याज कितना आपका 20 रुपये, तो कितना हो गया 500 रुपये, आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा 4 का 2 नंबर ना था, हो गया, ठीक है। देख लीजिए अगर इसमें कुछ नोट आउट करना हो तो नोट कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, समझ में तो आपको आ ही गया, ठीक है बेटा। आप इसको चलिए अब लोग 4 का 3 नंबर देखेंगे अपना, चार का तीन नंबर एक बार सवाल पढ़िए, वर्कशीट पर नहीं उतार है कोई बात नहीं, देखिए आप नीचे फ्लैश हो रहा होगा, ठीक है, नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा उसको देख लीजिए, आप एक बार सवाल पढ़ लीजिए, सबको तो मिटाना ही पड़ेगा, हमें पढ़ लिया तो आप देखें, हम भी देख लें एक बार क्या लिखा हुआ है। चार का तीन नंबर हमें क्या बोला बाबू, मूलधन हमारा कितना है 1200 रुपये, मूलधन कितना है 1200 रुपये, समय कितना है 70 दिन, समय कितना बाबू 70 दिन, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। उसके क्या बोला, वार्षिक सरल ब्याज दर आपको कितना बोल रहा है 73%, यानी 73%, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपको तो यहां पर देखिए मूलधन में कोई दिक्कत नहीं,
ठीक, लेकिन दर में आपको क्या बोला, वार्षिक ब्याज दर बोला है, यानी एक वर्ष पे जो भी ब्याज लग रहा है लगेगा, यानी एक वर्ष पे 100 रुपये पे ये लोग 73 रुपये ब्याज देंगे, ठीक है। और लेकिन समय कितना दिया है, 70 दिन, यानी वो 70 दिन से ज़्यादा रखा ही नहीं है पैसा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो दिन है हमारा, यानी समय है जो दिन में है, तो इसको हमें किस में लेके जाना पड़ेगा, वर्ष में लेके जाना पड़ेगा। तो पिछला साल भी हमने अभी ये ठुकराया था, उस जो हम लोग 3 के साल कर रहे थे उसमें भी सेम था। तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग क्या पता है 365 दिन इज इक्वल टू एक वर्ष। जब तक आपका सवाल में ये बात ना लिख दे कि वो लीप ईयर है, तब तक आप 365 ही मानिएगा, और आपका 100% सी हो रही है, 99% जो सवाल हम लोग का बनता है 365 दिन पे ही बनता है, ठीक है। तो मैं सब उसी कैलकुलेशन कीजिएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, एक दिन इज इक्वल टू, एक दिन इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, 1/365 वर्ष। हमारा कितना है वहाँ पे, 70 दिन। तो हम क्या बोल सकते हैं, 70 दिन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 365 × 70 वर्ष हो जाएगा हम लोग का। अब कितना आ गया, 70/365 वर्ष आ गया। अब देखिए 70 कटेगा क्या किसी से, इसमें नीचे में 5 है, इसमें 0 है, 5 से कट जाना चाहिए। अगर हम काटे तो हम लोग का 14 से कट जाएगा ये, इसको देख लेते कितना जाएगा, 5 से डिवाइड करें तो 5 × 35 = 15, ये नया कितना आ गया, 73। तो हम लोग अभी इसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं, 14/73 वर्ष। बस उनमें आया, देख लीजिए कैसे चेंजेबल किया हमने, डायरेक्ट चाहे तो आप इसको भी बैठा सकते हैं, आखिर वहाँ पे जाए काटना ही है, कहीं भी काटना ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट चाहे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14/73 वर्ष। क्या किया हमने, यहाँ 5 से काटा तो 17 को काटिएगा कितना हो जाएगा, 14 बार में जाएगा, और यहाँ देख लीजिए 5 से काटा तो 73 बार में गया, ठीक है। चलिए तो हम लोग का पी कितना है बाबू, बुलर कितना है, 1200 रुपये। आर कितना हम लोग का, 73%। टी कितना हम लोग का, 14/73/100। तो ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, इन दो 0 से जो दिया गया। अब तो देखिए डायरेक्ट 73 से 73 कटने वाला है, 73 से 73 कट गया, कितना आ गया, 12 × 14। अब 12 × 14 शायद हम लोग का 168 आता है, 4 × 2 = 8, 2 × 1 = 14, कितना आ गया हम लोग का, 168 रुपीज़। यानी लोग का ब्याज, कुल ब्याज कितना निकल गया बताइए तो, 168 रुपीज़, ठीक है। तो हम लोग का क्या निकालना, हमें मिश्रण निकालना, तो मिश्रण क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना हम लोग का, 1200 रुपये, ब्याज कितना है हम लोग का, 168, तो कितना हो गया, 1368 रुपये हम लोग का आंसर आ गया फाइनल, ठीक। आपका हम लोग का ये 3 नंबर भी हो गया, सुन में आया, 3 नंबर हो गया। अब हम लोग का लास्ट सवाल है, यानी 4 का 4 नंबर बेटा, इसको हम लोग 4 का 4 नंबर देख लेते हैं। मिटा दे, अब देखिए 4 का 4 नंबर थोड़ा पढ़ लीजिए क्या है, 4 नंबर हमसे क्या बोल रहा है, मूलधन कितना है बाबू, 1800 रुपये, मूलधन कितना है, 1800 रुपये। समय कितना बोल रहा है, 1 वर्ष 6 माह, समय कितना बोल रहा है बाबू, 1 वर्ष 6 माह, ठीक है। और हम लोग का दर कितना है, 4% वार्षिक ब्याज दर। तो इसमें देखिए, ये पिछला हमने जब वीडियो पढ़ा जिसमें हमने सिखाया था ब्याज ब्याज करें, उसमें हमने डायरेक्ट सीखे, ऐसा सेम सवाल था, बट उसमें थोड़ा सा टाइम और होगा, 2 वर्ष 6 महीने पर हमने सिखाया था, 1 और 6 महीने पर। देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए वार्षिक ब्याज दर दिया, यानी 1 वर्ष पर वो बात कर रहे हैं, यानी जब भी ब्याज कैलकुलेट होगा 1 वर्ष पर बात होगा, लेकिन ये 1 वर्ष 6 माह है, तो आपका फर्ज क्या बनता है, इसको पूरा को क्या कीजिए, वर्ष में लेके जाइए। तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, हमको क्या पता है, यहाँ पर हम लोग ये बात बोल सकते हैं क्या, 1 वर्ष = 12 माह। तो हम लोग 1 वर्ष को रिप्लेस करके लिख सकते हैं ऐसे कुछ, क्या 12 माह + 6 माह कितना हो गया बताइए तो, 18 माह हो गया। तो अब 18 माह को हम चाहे तो वर्ष में बदल सकते हैं आराम से। तो हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं, इधर कोना में आ जाते हैं हम लोग, क्या है 12 माह, या ऐसे बोल सकते हैं हम लोग 1 वर्ष = 12 माह,
ठीक, तो हम बोल सकते हैं एक माह, ये उल्टा हुई दस लिखने से आप, चलिए आप ही लोग लिख लेते थे, हमको लगा वर्ष सॉल्व करने लगा। 12 माह इज इक्वल टू कितना हो गया हम लोग का, एक वर्ष। तो लोग क्या बोल सकते हैं, एक माह इज इक्वल टू 1/12 वर्ष। तो आप देखिए हमें कितना लिखना है, 18 माह निकालना है। ये तो आप लोग बहुत बार करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए मुझे लग रहा है। 18 माह इज इक्वल टू वर्ष, तो हम लोग क्या हो गया, 18 माह इज इक्वल टू क्या आया, 18 बाई में 12 वर्ष। और समझ में आया आपको, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 18 बाई में 12 वर्ष। ठीक है, तो हम लोग को समय मिल गया। अब चलिए बैठा दीजिए, पी कितना है आप हम लोग देखिए, तो पी कितना हम लोग का 1800 रुपये, पी कितना है 1800 रुपये, आर कितना है 4%, आपका समय कितना है 18 बाई में 12 वर्ष इंटू 100। ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, बचा क्या 18 × 4/18/12। अगर हम इससे काटें तो 4 × 3 = 12, 3 आया और 3 × 6 = 18, यानी 6 आ गया। अब 18 से कितना होता है 108, तो हम लोग कितना आ गया 108 रुपीस। तो हम लोग कितना आ गया, कुल ब्याज कितना निकला, 108 रुपये। बस समझ में आया, कुल ब्याज कितना निकला हम लोग का 108 रुपये। अब कुल ब्याज जैसे निकल गया तो होता है मिजन, क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन कितना है यहाँ पे 1800 रुपये प्लस 108 रुपये, कितना है आपका 1908 रुपये। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब जो बाकी हम लोग का था वो हमने क्या बोला था, इसमें मैथ का बुक से हमने बोला था, मैथ का बुक से हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया था यहाँ से। तो हमने बोला था प्रयोग नंबर 1 कर लीजिएगा पेज नंबर 32 से, प्रयोग नंबर 2 कर लीजिएगा प्रयोग नंबर 3 कर लीजिएगा पेज नंबर 32 से, और प्रयोग नंबर 3 आपका पेज नंबर 33 में, सॉरी, और आपका प्रयोग नंबर 9 कर लीजिएगा पेज नंबर 35 से, प्रयोग नंबर 10 कर लीजिएगा पेज नंबर 35 से। उसके बाद हमने एक्सरसाइज से 1 से 4 तक हम सवाल बोला था ट्राई करने के लिए। हमको यहाँ तक ज़्यादा लग रहा कि आपको अगर उसी समय बन गया होगा, अगर कुछ डाउट भी होगा तो ये वीडियो देखने के बाद आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक, और वैसा हो सकता है किसी बच्चा से कोई एक भी छूट गया हो समझ, तो आपको हटवाने की जरूरत नहीं है। ठीक, जैसे ही हमारा पूरा कॉन्सेप्ट वाला जो हम सिखा रहे हैं वैसे खत्म होगा, फिर हम लास्ट में 4-5 वीडियो में जितना आपका उदाहरण दिया है वो हम खुद यहाँ पर जैसे अभी ये सॉल्व किए वैसे सॉल्व करेंगे, और पूरा आपका एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो हम एक ही बार में करेंगे, ऐसे बीच बीच में इधर उधर छूट जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग का आने वाला है उसमें हम लोग सीखेंगे कि मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे, समय कैसे ज्ञात करेंगे और दर कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।